कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं ज्यादा सच पर। आप देख रहे हो कि मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला मेरे एमएमए फाइट थी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना जब तक कि आप वीडियो देखें, ठीक है? इसके बाद फिर हम बहुत फाइट करें, मेरे मुंह मुंह पर मारे थे उसको, तो मैं तो सही दवा नहीं था जब तक कि आप वो उसकी वीडियो देखें। Element Fitness is a pioneer in promoting martial arts, and Fitness is thrilling to announce this event of Muay Thai and MMA. Element Fitness, known for its competing or promoting a healthy lifestyle to martial arts. The community together for a celebrating of sportsmanship. ये छोटे छोटे बच्चों से फाइट और जबरदस्त किस्म का नेट लॉक लगाया हुआ है और ये रेड ब्लू के ऊपर हावी है। अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को दिखाना और फाइट का रखना इसके की एलिमेंट है। आप सब ऑडियंस रिक्वेस्टेड छोटे छोटे और आप भरपूर अंदाज से एंटरटेन करते हुए ये फाइटर्स टच मी एक भी मुक्का पड़ता है तो लग पता जाता है की हिम्मत, कोचेस की एफर्ट और ये कंपटीशन। एलिमेंट फिटनेस, थैंक यू सो मच। आज के आपके नाम बच्चों को देखते हुए फाइट का मौका दे रहे हैं और वकील ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी प्लेयर को कोई हर्ट ना हो। दोनों प्लेयर्स फाइट करते हुए, दोनों प्लेयर्स को बहुत क्लीनली नोट करते हुए प्लेयर नी डाउन होकर इस कॉम्पिटिशन को नोट कर रहे हैं ताकि प्लेयर्स को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो या कोई भी टाइम को प्लेयर जो है वो ये खुद माफिस का रफी उल्ला यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट टू प्लेयर्स रेडी रहे प्लीज सर, टेबल ऑफिशियल नाम बताते जाइएगा प्लीज। नेक्स्ट टू प्लेयर्स लास्ट 10 सेकंड रह गए। नेक्स्ट टू प्लेयर्स टेबल ऑफिशियल नेक्स्ट टू प्लेयर्स का नाम बताइए। अब ये का फाइट क्या कंपटीशन है, नेक लॉक क्या जबरदस्त फाइट, क्या कंपटीशन है, फाइट है और ये टाइम आप और दोनों प्लेयर्स इस गेम के अंदर बेहतरीन खेलते हुए दोनों कॉर्नर्स पर कोच का दोनों प्लेयर्स को कॉर्नर प्लेयर्स देते हुए क्या कोचिंग क्या आला रिजल्ट लेते हुए फर्स्ट रेफरी गौहर गोल इंटरनेशनल रेफरी
स्टार्ट और ये दोबारा से फाइट चल रही है। बहुत जबरदस्त फाइट है, कम से कम वो ही तालियां तो बजा दें जिनको लगता है कि ब्लू जीतेंगे, और जिनको लगता है रेड जीतेंगे उनकी तरफ से भी तालियां। बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत जबरदस्त गेम शो कर रहे हैं। दोनों प्लेयर्स बहुत जबरदस्त ग्रैपलिंग की टेक्निक दिखाते हुए, दोनों प्लेयर्स बाहर से कोच कोचिंग करते हुए इंटरेस्ट लिए। दोनों प्लेयर्स को आवाज नहीं आएगी किसी भी कोच की, सिकंदर वो अपना ही गेम खेल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को ग्रैब किया हुआ है, हेड जो है वो ग्रिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं, क्या जबरदस्त मैच ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी टाइम किसी प्लेयर के लिए कोई इंजीनियस एलिमेंट ना हो जहाँ उन्हें लगेगा कि नेट लॉक बहुत टाइट हो गया है, वहाँ गेम को चैंपियनशिप में आप सब बताएंगे कौन सी टीम जीतेगी। ब्लू टीम या रेड टीम? टाइम मारो, टाइम मारो, लात मारो इसको, इसके सीने पे लात मारो। हो गए दोनों प्लेयर्स के लिए, लात मारो इसको, लात मारो, लात मारो इसे, लात मारो। दोनों एक दूसरे को कबूल करे हुए, दोनों में से कोई दूसरे को टाइम इस तरीके से, दोनों जो है वो अपने मूवमेंट में फिक्स्ड है। एक प्लेयर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो टैप कर दें तो वो ज़्यादा लगे और ज़्यादा टाइट हो रहा है। होते हुए रेड पे और रेड साइड विनर है कि ब्लू साइड, कुछ ही सेकेंड में हमें पता चल जाएगा दौड़ क्यों बारे। राजीव को पानी पिला, पानी पिला राजीव। तो चैंपियनशिप अपनी नोयत की पहली चैंपियनशिप है। नेक्स्ट प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो पेज के करीब आ जाए। नेक्स्ट प्लेयर टेबल ऑफिशियल्स, दोनों प्लेयर्स के नाम बताइए प्लीज। हसन ब्लू कॉर्नर, हुसैन, हुसैन फ्रॉम चेकमेट रेड कॉर्नर, हसन हसन ब्लू कॉर्नर, सेकेंड आउट। टाइटल चैंपियन शोडाउन ब्रॉट टू यू बाय टीएससी चैंपियनशिप। चैंपियनशिप समंदर के किनारे आपको देखने को मिल रही है। सैंड पिट के ऊपर कम्पीट करना इतना आसान काम नहीं है, ना ये फाइट करना इतना आसान काम है। जब नेक लॉक लगा हुआ होता है तो आपको सांस नहीं आ रही होती है, एंड इट्स रियली रियली ना से मुक्के मारते हुए प्लेयर को, और ये रेड अपनी नेक छुड़ाते हुए, और ये इन्होंने को गिराया आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग रेड ऊपर आया और नेक निकाल ली है, और ये मुक्का लगाते हुए
और बहुत ही जबरदस्त दोनों प्लेयर्स की तरफ से इट्स नॉट अ फाइट, बहुत जबरदस्त ये दोनों फाइट कर रहे हैं। दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, फ्यूचर के हमारे स्ट्रेंथ हैं। इन प्लेयर्स की एग्रेसिवनेस आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को किसी भी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं है। इट्स अ फाइट एंड इट्स अ काउंटडाउन। पूछते हुए कि वो फाइट को छोड़ना चाहते हैं नेकलॉक में, और प्लेयर नेकलॉक के बावजूद भी गेम को छोड़ना नहीं चाहते। वो अकेले ऑब्जर्व करें कि कहीं नेकलॉक से प्लेयर को कोई डिफिकल्टी ना हो, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ना हो। वो बहुत कीनली उस प्लेयर को देख रहे हैं और जर्क आउट होने चाह रहे हैं। कोच को सुनाना, कोच उनको बताना चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को बाहर निकाले इस नेकलॉक से और बाहर निकल के जबरदस्त किस्म के पंचेस लगाएं इस प्लेयर को। लेकिन नेकलॉक से निकलना इतना आसान काम नहीं है। अच्छी तरीके से ये दोनों कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे सामने का व्यू क्लियर कर दें ताकि मैं भी देख सकूं। थैंक यू सो मच। और बहुत जबरदस्त ये दोनों प्लेयर्स, आप लोगों की तालियां चाहिए इन दोनों प्लेयर्स के लिए। क्या जबरदस्त फाइट है और क्या कॉम्बैट फाइट चल रही है। यही वो चीज है जो एलिमेंट फिटनेस आपको दिखाना चाहता है कि जिस एज के भी लोग हों वो अपनी फिटनेस पे काम करें। एलिमेंट फिटनेस इज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम स्टॉप। एंड दोनों प्लेयर्स के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। दोनों में से कोई हार मानना नहीं चाहता था, बहुत अच्छा खेला। बच्चों की वाइल्ड एंड रेड ब्लू इज अवेलेबल। ये बहुत बेहतर आपकी वजह से बताया कि मैं एक बेस्ट प्लेयर हूँ। ये झूठ के अंदर याद रखना, याद चैंपियन चैंपियन के लिए तालियां तो बनती है। अच्छी फाइट दी, रेड ने आखिरी बंद तक अपना गेम छोड़ा नहीं और यही इस गेम की प्लस पॉइंट है कि अपने गेम को हार ना माने और फाइट करें। और बहुत जबरदस्त फाइट हारा नहीं है क्योंकि गेम में तो हारेगा। दोनों प्लेयर्स मेरे नजदीक विनर्स है क्योंकि इस ग्राउंड में आकर किसी एक का एक मुक्का खाना है। मुय थाई फाइट के लिए दोनों रिंग में आ जाए। मुय थाई की फाइट क्या ग्रेडियन की और क्या मैच का, जीत गया वो, जीत गया मेरा बेटा। तो प्लीज रिंग पे ऊपर मत चढ़िएगा क्योंकि रिंग असाइन के ऊपर है। नेक्स्ट साइड कल के विनर थे और आज आप इवेंट को कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये एक प्लेयर को मेडल मिलते हुए आउटस्टैंडिंग गेम, हाथ तो मिला ले, आउटस्टैंडिंग ये चेकमेट का हाली। आपका नाम क्या है? जादेव। कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या कहेंगे फाइट के हवाले से? इस फाइट के बाद जिब्रान रेड कॉर्नर, फवाद ब्लू कॉर्नर, ये दोनों फाइटर तैयार है। फवाद को तैयार करो, फवाद मतियुल्ला ब्लू कॉर्नर। इससे पहले कोई फाइट करी है आपने? कोई फाइट नहीं करी। आपने कितने अर्से ट्रेनिंग करी है? दूसरा मंच। दूसरा मंच कहाँ ट्रेनिंग करते थे? मिशन म्यांमार न्यू स्काई। न्यू स्काई चौर आलम।
जी कैसा लग रहा है आपको? सर्टिफिकेट भी मिल गया, हारी। हाँ भाई ये जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त है। बच्चे के लिए देख रहा हूँ, एक नन्ना मुन्ना बच्चा एमएमए की फाइट खेल रहा है, वो यही है पाकिस्तान में फर्स्ट बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि एमएमए की रिंग के अंदर ये जा चुके हैं। इनके लिए यही, मेरा दिल इतना खुश हो रहा है कि हद से ज्यादा खुश हो रहा है। अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह का